This is Asim, you may call me Prince from Law Faculty TU. Today I would like to discuss a landmark case of CPC which is mentioned in our case mat. Sangram Singh versus Election Tribunal, ये कोटा का केस है 1955 का. इस केस से जो सेक्शन इन्वॉल्व हैं वो सेक्शन 6 हैं, सेक्शन 7 हैं और सेक्शन 13 हैं, जो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस पे बेस्ड है. इसका जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है कि अगर किसी प्लेंटिव ने किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया है और कोर्ट ने डिफेंडेंट को प्रॉपर समन भी भेजा है, फिर भी डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट के सामने में प्रेजेंट नहीं होता है, तो डिफेंडेंट के प्रेजेंस के बगैर ही कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी और डिग्री जो है यानी कि जो हेयरिंग होगी वो एक्स पार्टे होगी, यानी कि एक्स पार्टे मतलब होता है उसके प्रेजेंस के बिना. सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट इस हियरिंग के बीच में यानी कि जो कोर्ट ने समन भेजा और डिफेंडेंट नहीं आया और प्रोसीडिंग चल रही है और अगर इस प्रोसीडिंग के बीच में अगर बाद में कहीं डिफेंडेंट अगर प्रेजेंट हो जाता है तो वो अलाउ किया जा सकता है कोर्ट की प्रोसीडिंग को में भाग लेने के लिए. सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट चाहे तो जो एक्स पार्टे ऑर्डर उसके अगेंस्ट में जो इशू हुआ है उसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है और एक्स पार्टे ऑर्डर सेट असाइड हो सकता है, वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है. अब इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे आते हैं. इस केस का फैक्ट ये है कि प्लेंटिव जो है वो डिफेंडेंट पर सूट फाइल करता है और वो जो सूट फाइल करता है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में करता है और जो डिफेंडेंट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि कोर्ट समन भेजता है, प्रॉपर समन भेजता है, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेता है और इस तरह से तीन हियरिंग जो है वो हो चुकी होती है और विटनेस एग्जामिन भी हो चुके होते हैं. चौथी हियरिंग में क्या होता है कि डिफेंडेंट प्रेजेंट हो जाता है अपने काउंसिल के साथ और कहता है कि हमारे अगेंस्ट में जो एक्स पार्टे ऑर्डर इशू हुआ था उसको आप रिवर्स कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे काउंसिल जो हैं वो चाहते हैं कि विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सके, तो ट्रिब्यूनल जो है इस बात को रिफ्यूज़ कर देता है कि हम एक्स पार्टे डिग्री जो है आपके अगेंस्ट में जो इशू किए हैं उसको हम क्वेश करेंगे, एक्स पार्टे तो चलेगा ही केस. तब डिफेंडेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत रिट पटिशन डालता है हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट जो है उस रिट पटिशन को रिजेक्ट कर देता है. तो फिर हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेकर के यानी कि 133 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है एक्स पार्टे डिग्री को हटाने के लिए. तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ बातें कहती हैं. सुप्रीम कोर्ट पहली बात ये कहती है कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि डिफेंडेंट अगर बाद में भी आ जाए तो उसको अलाउ ना करें, यानी कि अगर डिफेंडेंट बाद में भी आ जाता है तो आप उसको अलाउ कीजिएगा. दूसरा ये है कि अगर मान के चलिए कि जिस दिन कोर्ट की हेयरिंग चल रही थी उस दिन डिफेंडेंट अगर नहीं आता और कोर्ट की सूट जो है वो अर्जेंट हो जाती है तो उसके बाद अगर डिफेंडेंट आता है तो उसको कोर्ट के प्रोसीडिंग में भाग लेने से आप नहीं रोक सकते हैं. तीसरा सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसका जो ग्राउंड है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, यानी कि लोकस एस्टेंडाई रूल है, यानी राइट टू हियर, सुने जाने का अधिकार जिसको कहते हैं, तो राइट टू हियर को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, हर व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार है, इसलिए अपेयरेंस अगर बाद में भी होता है तो आप उसको अलाउ कर दीजिए. फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए यानी कि फैसिलिट करने के लिए बनाया गया है, ना कि जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए बनाया गया है, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के माध्यम से आप जस्टिस अप्रोच करने के लिए बनाया गया है, ना कि सिविल प्रोसीजर ही जस्टिस अप्रोच करने के बीच में एक बाधा बन जाए, ऐसा नहीं कीजिए. तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस केस में यानी कि संग्राम सिंह वर्सेज इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोटा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस केस में जो डिफेंडेंट है उनको कोर्ट की प्रोसीडिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा, क्रॉस एग्जामिन करने का भी मौका मिलेगा और साथ ही साथ जो एक्स पार्टे ऑर्डर उनके अगेंस्ट में इशू हुआ है उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर देती है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा.